रांची में लालू प्रसाद यादव से मिलकर निकले लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी के शासन काल में देश की जनता त्रस्त है। लालू से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान राजनीति पर बात हुई लेकिन मीडिया के समक्ष रखने से बचें। वहीं RLSP और लोकतांत्रिक जनता दल के विलय के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस विषय में फिलहाल बात साफ नहीं है लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 25 दलों के साथ बातचीत हुई है। जब मुलाकात हुई तो राजनीति में बात हुई तो उसको सब कुछ ही बताया जा सकता है। बिहार पूरे देश भर में जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है सारे देश भर में हमने 6-7 साझा विरासत की 20-25 पार्टियों को सबको इकट्ठा किया है। 10 तारीख को फिर बैठक होने वाली है। 19 में इनका पूरी तरह से गोलबंदी करके इनका जाना जरूरी है। देश के अंदर जो हालात हैं और देश का संविधान है, लोकतंत्र है, लोकशाही, उसे बचाना है तो इनको सारे पार्टियों से चर्चा कर रहे हैं हम और इनको आने वाले 19 के चुनाव में भारी शिकस्त दी जाएगी। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे